दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समाधान टू नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम 2021 के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि ये मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आता है जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और भी स्कॉलरशिप आते हैं लाइक स्वाभिमान हो गया, न्यू जनरेशन, स्वावलंबन, उन्हीं में से एक है समाधान स्कॉलरशिप स्कीम 2021। तो यहाँ पे समाधान टू का जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है 1 जून को, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फी या कोई एप्लीकेशन फी आपको पेड नहीं करना है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे क्लास 10th एलिजिबिलिटी हो जाता है। आप क्लास 10th के बाद 12th में, ग्रेजुएशन में, पीएचडी तक कोई भी कोर्स में एनरोल्ड हो तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर पाएंगे। बात करें दोस्तों यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट के बारे में, कितने अवार्ड किए जाते हैं, तो 300 से लेकर 1000 तक आपको अवार्ड किए जाते हैं। तो सारे डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तों कैसे आपको अप्लाई करना है। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो आगे भी चैनल पर आपको मिलती रहेगी, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अदर एलिजिबल स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सके। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है 1 जून से स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए आप 30 जून 2021 तक ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। कैसे आपको अप्लाई करना है या फिर कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एग्जाम डेट की बात करें तो 18/7/2021 को आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, जिसका रिजल्ट 21/7/2021 को रिलीज कर दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको कब तक अपलोड करना है, तो 21 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। लाइक आपको बैंक डिटेल सबमिट करना होता है, रिजल्ट आने के बाद जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं वही अपना बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक ये प्रोसेसेस चलते हैं, यानी कि 24 से लेकर 26 तक जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके अकाउंट में स्कॉलरशिप अमाउंट क्रेडिट कर दिए जाते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पे टेस्ट पैटर्न के बारे में, तो टेस्ट का पैटर्न जो है दोस्तों क्वेश्चन 4 सेक्शंस में डिवाइडेड रहते हैं। पहला सेक्शन में रीजनिंग 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स के, जनरल स्टडीज 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, और इंग्लिश 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। क्वेश्चन का ड्यूरेशन दोस्तों आपको टोटल 10 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं इन सारे क्वेश्चंस को, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बात करें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक गलत आंसर 1/3 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं एज अ नेगेटिव मार्किंग। अब यहाँ पे दोस्तों आपके क्वेश्चन 4 सेक्शन में डिवाइडेड रहेंगे। लाइक आपने सोचा क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए, तो आपको ये दोबारा मौका नहीं दिया जाता कि क्वेश्चन नंबर 5 पे अगेन बैक आने का, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। एग्जाम टाइम में दोस्तों आप पेन पेपर पेंसिल कैलकुलेटर कुछ भी यहां पे यूज कर सकते हैं। ओके, बात करें दोस्तों हम लोग स्कॉलरशिप्स एंड प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहां पे टोटल जो है 6,558 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स यहां पे सेलेक्ट किए जाते हैं उनको टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। टाइप ए में टोटल 2,459 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे, उन स्टूडेंट्स को 1,000 रुपीज सिंगल पेमेंट में अवार्ड किए जाएंगे। टाइप बी में टोटल 1,567 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे, उन स्टूडेंट्स को 5,000 सिंगल पेमेंट में अवार्ड किए जाएंगे। टाइप सी में दोस्तों टोटल 2,332 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे और उन स्टूडेंट्स को 300 रुपीज सिंगल पेमेंट में अवार्ड किए जाएंगे। और पासिंग मार्क्स की बात करें तो मिनिमम 40% पासिंग मार्क्स हो जाता है, 40% लाने वाले स्टूडेंट्स ये स्कॉलरशिप अमाउंट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों बैंक डिटेल सबमिट करना है, तो COVID-19 की सिचुएशन को देखते हुए अगर आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं है तो पेरेंट्स का भी अपना डाल सकते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो मिनिमम यहाँ पे क्लास 10th हो जाता है। आप क्लास 10th पास आउट है, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, कोई भी कोर्स कर रहे हैं पीएचडी तक, तो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे 16 ईयर्स हो जाता है, 16 ईयर से लेकर 40 ईयर्स तक है तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। जॉब प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, मिनिमम आपके 16 ईयर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स तक होने चाहिए। बात करें दोस्तों कितने परसेंटेज मार्क्स आप स्कोर करते हैं तो आप किस टाइप में आएंगे, तो टाइप ए में वो स्टूडेंट्स आएंगे जो 60% या उससे अबव मार्क्स स्कोर करते हैं वो टाइप ए में आएंगे, और उनको कितना 1000 रुपीज अवार्ड किए जाएंगे, जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। टाइप बी में दोस्तों वो स्टूडेंट्स आते हैं जो 50% मार्क्स से अबव और 60% मार्क्स से बिलो स्कोर करते हैं। ओके, टाइप सी में दोस्तों वो स्टूडेंट्स आएंगे जो 40% मार्क्स के अबव और 50% मार्क्स के बिलो स्कोर करते हैं, वो टाइप सी में आएंगे। ओके, तो इस तरह से दोस्तों यहां पे कुछ परसेंटेज के डिस्ट्रीब्यूशन किए गए। अब यहां पे बात करें सिलेबस के बारे में कि एग्जाम में किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप यहां पे जनरल स्टडीज, जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश के किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और पूरे पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे आप ये सब डिटेल्स लेने के साथ साथ आप अपने सिलेबस को भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो गया दोस्तों 1 जून को जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उसका डिटेल्स। अब यहां पे बात करते हैं कैसे आप समाधान 2 स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको मेधावी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होम पेज पे आएंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन का बॉक्स मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्कॉलरशिप एग्जाम और स्कॉलरशिप टेस्ट दो ऑप्शन मिलता है, तो स्कॉलरशिप टेस्ट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे समाधान टू के पास एक रजिस्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे आएंगे तो लॉग इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेंगे अगर आपके पास अकाउंट है तो। अगर अकाउंट नहीं है तो साइनअप पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद दोस्तों आपको एक नीचे पॉपअप मिल जाता है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों समाधान टू का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, जिसमें सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे डन पे क्लिक कर लेंगे। हायर एजुकेशन में अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर से डन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, टेंथ का परसेंटेज डालेंगे, फादर्स नेम मदर्स नेम डाल देंगे, ईमेल दोस्तों अपना डालेंगे, हमारा फोन नंबर यहाँ पे आ ही चुका है, एड्रेस डालेंगे, सिटी पिन कोड स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फी, हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फ्री है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद यहाँ पे आई रीड एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे। फिलअप करने के बाद दोस्तों सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हम लोग हो चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर स्कॉलरशिप एग्जाम। और अगर आपने मिस्टेक वाइज कुछ गलत फिल कर दिया है तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके इसको अगेन एडिट भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आप समाधान टू स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन फी, कोई एप्लीकेशन फी पेड नहीं करना है। होम पेज पे आते हैं दोस्तों तो आपको नोटिफिकेशन का सेक्शन आपको एक मिलता है, उसके बाद एग्जाम रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है आप इस सेक्शन में देख पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाता है एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए, आपको यहाँ पे काफी सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं जिससे आप अपना एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बात करें दोस्तों कैसे आप इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं, तो इस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग जो भी प्रोसेस होता है वो सारा इसी एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए एक बैक करेंगे और आपको होम पेज पे ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, समाधान टू पे क्लिक करेंगे। तो हमारा यहाँ पे टेस्ट जो है 18/7 को लॉग इन करके अपने टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात रही दोस्तों कैसे आप अपने टेस्ट के स्कॉलरशिप को, जो भी स्कॉलरशिप प्रोसीजर होता है उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं, तो इसके लिए एक बैक करेंगे और होम पेज पे आएंगे तो आपको ट्रैक स्टेटस का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, समाधान टू पे क्लिक करेंगे। तो हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो चुका, फी सक्सेसफुली पेड हो गया, जैसा कि आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे फ्री है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑनलाइन एग्जाम है 18/7 को, उसका रिजल्ट क्लेम स्कॉलरशिप एंड कंप्लीट। बात आती है यहाँ पे क्लेम स्कॉलरशिप के लिए, तो कैसे अपने स्कॉलरशिप को क्लेम करना है, तो आपको होम पेज पे क्लेम स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट एंड समाधान पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना बैंक डिटेल्स डाल के अपना स्कॉलरशिप क्लेम कर पाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने समाधान टू के रिगार्डिंग सारे डिटेल्स को दोस्तों डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सके। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।